बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी कि आप अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकालते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। आज हम ढाबा स्टाइल अंडा करी बनाएंगे, बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। देखिए, एक टेबल स्पून मैंने तकरीबन ऑयल डाला है इसमें, और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। इसमें हम अपने अंडे जो बॉयल करें उसको हम फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। अभी देखें, हम 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। मेरे चैनल पे जो नए हैं जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। देखें, अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब ये अंडे हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे बस। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखें, अब हमने एक पैन में 3/4 कप ऑयल लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें मेथी दाना ऐड किया गरम होने के बाद। मेथी दाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है अंडा करी का, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा ये पक जाए। देखें, एक मैंने जो है प्याज ब्लेंड करके रखी है मीडियम साइज़ की। इसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन और इसका पानी जो है वो सब ख़त्म हो जाए। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, इसको भी थोड़ा सा तल लेंगे। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया, 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून देगी लाल मिर्च ऐड किए, और 1/2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। देगी मिर्च इसलिए ऐड करते हैं कि इसका कलर फिर अच्छा आता है। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मैं इसमें ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है और बहुत मज़े का लगता है। देखिए, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया इसमें। इसको बहुत अच्छे से भूनना है। देखें, 2 मैंने मीडियम साइज के टोमेटो हैं जो ब्लेंड करके रखे हैं, उसको मैं ऐड कर रही हूँ। तो हरी मिर्चें मैंने इसमें काट के बीच से डाल दी हैं। नमक ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। बिल्कुल ऑयल आ जाएगा जब तक इसको भूनना है, और अब पानी ऐड किया थोड़ा मैंने इसमें। देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, देगी मिर्च की वजह से डार्क सा कलर आ जाता है जो ग्रेवी का थोड़ा सा ढक दिया था, वरना ये उछलता है। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने कवर किया था। ये देखें, अब ये जो हमने अंडे फ्राई करके रखे थे इसमें डाल दिए। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगी। थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, पानी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा इसके अंदर क्योंकि ग्रेवी है। देखिए, 1 टीस्पून मैंने इसमें मेथी लिए जिसको मैंने थोड़ा सा हाथ से क्रश करके और डालिए इसके अंदर। बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं होता, थोड़ा हरा धनिया ऐड किया इसमें। इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे अभी ताकि इसका ग्रेवी का कच्चापन निकल जाए। देखें, हमारे हो गए हैं। देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, कितने ज़बरदस्त से। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के, बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है इसका। देखिए, ऊपर से मैंने हरा धनिया से गार्निश किया है थोड़ा सा। हमारे अंडा करी ढाबा स्टाइल बिल्कुल रेडी है। आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।